हाँ जी बाबा, अमृत वेला जैसे आज हम करा है, आज करे हैं, कल भी करा है, और जैसे आप बोल रहे हो पाप भस्म होते हैं, आत्मा हल्की महसूस हो रही है, तो हम लोग तो नॉर्मली, मैं तो आज पहली बार आपको मिली हूँ, मैं सीढ़ी चालू करके अपन ऐसे बैठ जाते हैं, आत्मा हो आत्मा हो, वो कैसे पता चलता है कि हम लोग जो अमृत वेला कर रहे हैं वो सही है या गलत है? हल्कापन महसूस होता है माने अमृत वेला ठीक होता है, और हल्कापन महसूस नहीं हो रहा है, भारी के भारी बने हुए हैं, तो ठीक नहीं हुआ। पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब है जो आके अर्चन ज्यादा जालता है? बाबा, एक चीज मैंने और भी नोटिस करी है कि 10 से 12 बजे तक दिन के, जो सुबह अपन 4 बजे तक उठ के करते हैं, 10 से 12 बजे तक खुश खुश रहते हैं, फिर अचानक ही उसी दिन जिस दिन अमृत वेला करते हैं उसी दिन भयंकर गुस्सा आता है, सामने वाले किसी को मार ही दे, और या तो नेगेटिव संकल्प तीव्र चलते हैं, या कोई और भी इच्छाएं अलग तरह की होती है, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, उसी दिन सबसे ज्यादा परेशानी होती है? ये रुद्रमाला के मणके हैं जो एडवांस में आए हैं, उनमें मुख बने हुए होते हैं, कोई में एक मुख, कोई में दो, कोई में चार, कोई में 15, कोई में 10 मुख, तो इतने मुख वाली आत्माएं प्रवेश करके वाइब्रेशन को खराब कर देती है। ये महाभारी महाभारत युद्ध है, आत्मिक स्थिति में रह करके इनका मुकाबला किया जा सकता है। और अगर जब दिन को सोते ही हैं तो ऐसा लगता है ज्ञान पूरा बुद्धि से निकल गया? हाँ जी। और हाँ जी, और इस्लामियों का बीज भी कहा जाता है? हैं? इस्लामियों का बीज? हाँ, फिर ये जो इस्लामी है वो मतलब, और सन्यासी सारे गंगा के किनारे बैठते हैं? हैं? सन्यासी सारे गंगा के किनारे बैठते हैं? हाँ, फिर ये जो इस्लामी है वो मतलब गंगा से क्यों परे हैं? उसका जल भी गिरा उसके समझ, गंगा में तो जल होता है, और सन्यासी जिस देश के रहने वाले वहाँ जल मिलता है, मिलता है तो अंगूर खट्टे, उनको मिलता ही नहीं है जल, न स्थूल न बेहद का। और सतयुग में 8 जन्म होते हैं। पंखा बंद कर दो, इसकी आवाज ज्यादा आ रही है। सतयुग में 8 जन्म होते हैं और औसत आयु 150 साल है, और त्रेता में 12 जन्म होते हैं और औसत आयु 125 साल है, तो वो कैसे बने? हाँ जी, तो 125 साल कैसे होगी? 1250 वर्ष में 1250 साल कैसे होंगे? 150 वर्ष में 1250 वर्ष में 12 जन्म कैसे होंगे? औसत आयु यदि 1250 साल में तो बता तो दिया, सतयुग में 150 वर्ष एवरेज एज, एवरेज का मतलब ये नहीं कि उससे कम किसी की आयु होती ही नहीं है, एवरेज का मतलब है कोई की ज्यादा भी हो सकती है और कोई की थोड़ी कम भी हो सकती है, ऐसे ही त्रेता में 125 वर्ष, ये त्रेता की शुरुआत की बात बताई, त्रेता के अंत में कोई जरूरी नहीं है सबकी 125 वर्ष एज हो।
इसलिए और बाबा अगर हम माता है जो अगर 100 बार शरीर से पवित्रता में रहते हैं पर अगर मन की पवित्रता नहीं है, मन में नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं या कोई और इच्छाएं होती है कि गुस्सा आता है, तो कौन सी पवित्रता ज्यादा मायने करती है, कौन सी पवित्रता का महत्व ज्यादा है? मन में आएंगे और मन में तीव्रता से आने लगेंगे, उनको रोका नहीं तो प्रैक्टिकल में भी आ जाएंगे, क्योंकि मन ही प्रबल है इंद्रियों में। प्रबल मन को न रोका गया तो कर्म इंद्रियों के ऊपर हावी हो जाएगा। बाबा पर किस पवित्रता से हम उच्च पद पाते हैं? है? किस पवित्रता से हम उच्च पद पाते हैं? मन की पवित्रता या तन की पवित्रता? सिर्फ मन की पवित्रता से थोड़े ही, तन की भी पवित्रता चाहिए। तन में शक्ति क्षीण होती रहे तो पवित्रता थोड़ी ही हुई, ये तो गिरना हो गया। तो फिर क्या प्रजा वर्ग में जाएंगे? जो पवित्र नहीं बनते हैं वो प्रजा वर्ग में जाएंगे, जो पवित्र बनते हैं वो राजकुल में आवेंगे। पुरुषार्थ की बात है। ये पंखा फिर हमारी तरफ कर दिया है, इसकी आवाज ज्यादा आ रही है। आप अपनी तरफ करिए ना पंखा को। पंखा अपनी तरफ कर लीजिए। हाँ जब मैं मिल जाता है लक्ष्मी नारायण को, तो उसके बाद में उम्र जितनी बनती है उसके बाद में, तो 125 वर्ष या 150 वर्ष चलती है। सबसे जास्ती योगी कौन होगा दुनिया में? नारायण की आत्मा। हैं? नारायण की आत्मा सबसे जास्ती योगी होगी तो सबसे जास्ती लंबे समय की आयु नहीं मिलेगी, तो नया तन मिलने के बाद। हाँ जी, जब से सम्मत एक 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 शुरू होगा तब से लेकर के उनकी आयु एवरेज एज धारियों से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा योगी है तो ज्यादा लंबी आयु। हेल्थ अच्छी होगी, और बाबा ये जो सूर्य है ना वो उदय होता है तभी लाल नजर आता है। हैं? सूर्य जो है स्थूल सूर्य मुरली नहीं, सूर्य जड़ सूर्य, सूर्य सूर्य है ना जड़ सूर्य, जड़ सूर्य, जड़ सूर्य बाबा, जड़ सूर्य बता रहे हैं, जड़ सूर्य निकलता है तभी लाल होकर निकलता है। हाँ, उसका ज्ञान सूर्य होता है। सूर्य जब उदय होता है तो जो बच्चा होता है पैदा होता है तो बच्चा लाल होता है या काला होता है? तो खून शुद्ध है ना, शुद्ध खून है तो कैसा होगा? है लाल ही होगा ना। और ऐसे ही जब सूर्य छुपता है तो भी लाल हो जाता है, क्योंकि यहाँ छुपा है हम देख रहे हैं कि छुपा है, लेकिन विदेशों में उगता है या छुपता है? हैं? उगता है तो वहां भी लाल। और वही बात ज्ञान सूर्य पे लागू होती है, ज्ञान सूर्य के ऊपर भी लागू होती है। पाप कर्म भस्म हो जाएंगे तो संकल्पों का खून शुद्ध होगा या नहीं होगा?
है? होगा तो लाल हो जाएगा। यज्ञ के आदि में शिव बाबा को याद करते थे तो किस रूप में याद करते थे? है लाल लाइट का गोला। तो ये लाल लाइट का गोला क्या है? साकार की यादगार है या निराकार की यादगार है? साकार की यादगार है। आदि में भी निसंकल्प और अंत में भी निसंकल्प। ओम शांति। ये कुछ अशांति रह जाती है? सूर्य जब उदय होता है, प्रत्यक्ष होता है ज्ञान सूर्य, तो कुछ उसमें अशांति रह जाएगी नहीं? और शास्त्रों में जो है बाबा, ये ऋषि मुनि और गुरु पत्नी गुरु पुत्र जो कहलाते हैं वो सब संगम की याद है। किसकी याद है? मतलब संगम की याद, गुरु पुत्र और गुरु माता। हाँ वो संगम की याद है वो भी। हाँ जी। तो इलेक्ट्रिकल में स्वरूप में भी ये मतलब वो 36 के विनाश के बाद 36 के बाद वास्तविकता में आती है या संगम पे नजर आती है? तो अभी कोई गुरु पुत्र बने हैं? पर वो महिमा उसमें गाई जाती है इसलिए है। गुरु अमर है कि मरने वाला है? अरे गुरु अमर है कि मरने वाला? गुरु अमर है तो पुत्र कैसे है? हैं? अमर है। आज मरते हैं, आज जिंदा होते कल मरते नहीं है, हैं? तो फिर मर भी जाते क्या? मर जाने ही है, मानते कहाँ हैं? गुरु को फॉलो करते हैं? हैं? नहीं करते। तो नहीं करते हैं तो फिर माया सबको हपक जाएगी कि रह जाएंगे? जब शास्त्र में उनका संबंध दिखाया गया तो वास्तविक स्वरूप कब होगा? बाद की बात है, जब अमरनाथ के बच्चे अमर बन जाएंगे। अभी तो रोज मरते जीते रहते हैं। 36 के बाद में या 18 के बाद में? जब प्रत्यक्षता होगी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। शास्त्रों में कहते हैं संतोष सबसे बड़ा धन है, वो कैसे होगा? शास्त्रों में बोलते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, वो कैसे? संतोष। हाँ जी। वो कैसे होगा? सबसे बड़ा गुण है सहन शक्ति, और जिसमें सहन शक्ति होती है उसमें संतोष भी होता है। संतोष है मना पक्का ज्ञानी है, जानता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, और हमारी आत्मा का पार्ट भी कल्याणकारी है। तो जो भी ड्रामा में होता है अच्छा या बुरा देखने में आता है, हम समझते हैं ये बुरा है, लेकिन सब क्या है? सब अच्छा है। जो होगा वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो हुआ है वो भी अच्छा। ड्रामा में कहीं भी इनएक्यूरेसी नहीं है। और आपने दादा लेखराज के लिए एक गाना है, धर्मराज का पाठ बजाते हैं, सत्युग का पहला प्रिंस है, दत्तात्रेय भी उसको बोला है, और कुछ मुरलियों में मैंने कुछ वार्तालाप में उसको लादेन भी आपने बोला है। लादेन और एक ही बड़ा सबसे बड़ा देहधारी गुरु भी वही है ऐसा। तो एक ही इंसान ड्रामा में इतने सारे पार्ट कैसे बजा सकता है? अरे समझ में नहीं। लादेन बोला
ड्रामा में कोई गधे का पार्ट नहीं बजा सकता है, घोड़े का पार्ट नहीं बजा सकता, एक आदमी अनेक पार्ट नहीं बजा सकता है। मुझे नहीं समझ रहा है। अरे एक जन्म का ड्रामा है कि अनेक जन्मों का ड्रामा है? ड्रामा एक जन्म का है या अनेक जन्मों का है? हैं? अनेक जन्मों का है तो अनेक जन्म अनेक प्रकार पार्ट भी हो सकते हैं, एक ही जन्म में अनेक प्रकार के पार्ट हो सकते हैं। एक पार्टधारी किसी का पिता है, पिता का पार्ट हो गया। किसी का बेटा है, बेटे का पार्ट हो गया। किसी का भांजा है, भांजे का पात्र हो गया। नहीं होता है फिर क्या? बाबा महावीर जी की मूर्ति आत्मा एक है, पर तीन तरह की क्यों बताते? लाल, सफेद और काली। महावीर क्या? महावीर जी की आत्मा एक है, ये मूर्ति है, पर तीन तरह की दिखाते, काली, सफेद और लाल। हाँ क्यों दिखाते हैं ये? क्योंकि रजोतमो हर आत्मा बनती है, महावीर भी सतो रजोतमो बनता है। और सतो माने सफेद, रजो माने लाल और तमो माने काला। बीके की आत्मा है, दो की तरफ, तो वो कह रही है कि भाई उनके घर के सामने बीके का छोटा सा सेंटर है, अब उन्होंने वो सेंटर छोड़ दिया। आप ध्यान से सुनो, मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा है। हाँ, वो आकर के यहाँ का कोर्स कराओ तो क्या बाबा उनके पास जा सकते हैं? बीके की आत्मा है, अब बीके की आत्मा है दो। हाँ, जो मैं जाती थी उन्होंने अपना घर जो है सेंटर में समर्पित कर दिया, अब वहाँ उनका कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो बोले कि हम अब इसमें नहीं जाते हैं, तो मेरा उनसे जब मुलाकात हुआ तो बोले कि आप हमें यहाँ करके कोर्स कराओ, हाथरस में है वो आत्मा, तो क्या उनके पास जा सकते हैं बाबा? क्यों नहीं जा सकते? वंचित हुई आत्माओं को उठाना खराब बात है क्या? जैसे एक दो बार बाबा ने मुरली में कहा वार्तालाप हुई थी कि आप लोग जो है उनके घर में जाओ, वो कुछ भी कर सकती हैं, वो है? ऐसी नहीं है, वो खुद चला के बुला रही हैं। वो बुलाते हैं तो क्यों नहीं जाना चाहिए? ठीक है बाबा, उनके यहाँ जाकर चेक करवाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। जो माता है उसका में क्या है? जो माता है करवा चौथ का व्रत, क्या है करवा चौथ? सिंधियों में भी टीचरी रखते हैं, मुझे पता नहीं क्या उसका मतलब है। हाँ, और भक्ति मार्ग में तो पता नहीं क्या क्या टंट घंट करते हैं, है बाबा? पर इस ज्ञान में आने के बाद जरूरी व्रत रखें? ये सब जबरदस्ती करवाते घर वाले? बाबा को याद करते रहो, उनको खुश करते रहो, हमारा क्या जाता है? अंदर से बाबा को याद करते रहो, बाहर से उनको खुश करते रहो, हमारा कुछ जाता है क्या? जबरदस्ती भूखे प्यासे रखते हैं, 11 से 11 रखो, ये रखो। ओहो, वो हर समय मुंह के ऊपर बैठे रहते हैं, है? और वो फिर ऐसे बोलता है हिंदू धर्म में आप रखे, अगर जैसे अभी मेरा फादर इन लोग का डेथ हो गया था, 2 महीने हुए हैं। हाँ, तो जबरदस्ती मुझे एकादशी व्रत बोल के रखने के लिए? अरे एकादशी व्रत तो 24 घंटे तुम्हारे मुंह के सामने बैठे रहते हैं बाबा, फिर ऐसे उनकी आत्मा को परेशानी हुई, लोग जबरदस्ती ऐसे गला घोटते रखो। रखो एकादशी व्रत करो उनके सामने, लेकिन जैसे वो इधर उधर हो जाए खा लो। अभी व्रत भले टूट जाए, व्रत छूट जाए, छूट जाता है व्रत, ब्रेक हो जाता है। अरे काहे का व्रत? असली व्रत तो विकारों का है, आपकी बुद्धि में नहीं बैठा? है। तो फिर क्या बात है? तो मुझे उस दिन मैंने जो वार्ता, अरे दुनिया बेवकूफ बनी हुई है तो हम भी बेवकूफ बने क्या?
और बाबा एक माता का प्रश्न है कि अभी तो पूरा सहारा है, इस सहारे से घर में टिक गए बाबा, क्या यह सारा अंत विनाश के टाइम बस घर से बाहर रहूंगी तब भी होगा? एक माता का प्रश्न है, अभी तो पूरा सहारा है, इस सहारे से घर में टिके हैं, क्या यह सहारा अंत में विनाश के टाइम पर घर से बाहर होंगे तब भी रहेगा? कौन सा सहारा है? बाबा का याद का सहारा, बाबा के क्लास का सहारा, याद, बाबा की याद का सहारा। तो याद आपसे कोई छीन सकता है क्या? हैं? याद कोई छीनने की चीज है? कोई छीन लेगा क्या? है? जो सहारा है वो हमारे निश्चय बुद्धि के ऊपर है। निश्चय बुद्धि है तो विजय थे, तब तक सहारा है। अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे तो सहारा हमने खुद तोड़ दिया। और बाबा एक और बात है, जो आप बोले नष्टा मोहा स्मृति लब्धा, हमारा हिंदी ऐसे डिफरेंट है, मैं गुजराती में एजुकेशन लिया इसलिए। तो बाबा अगर कोई आप माताओं के लिए बोलते हैं, सबसे लास्ट पेपर ये आएगा, मुंह में विजय पा लेना। लास्ट पेपर माताओं का ही नहीं, सभी का है। माताओं के लिए आप स्पेशल, माताओं में मोह ज्यादा रहता है। मेरा बिल्कुल नहीं है। अगर माताओं ने मोह के ऊपर जीत पा ली तो समझ लो माताएं जीत गईं। वही पूछना है अभी। हाँ, काम क्रोध लोभ और अहंकार को पीछे छोड़ दो, माताओं के लिए मोह ही सर्वोपरि है जीतना। हाँ तो वही बात करी बाबा, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, मतलब मेरे पेरेंट्स में मम्मी पापा में मोह नहीं है, बच्चे में भी नहीं, एक ही बेटा है मेरा, पति में तो बिल्कुल ऐसे भी नहीं है। नहीं, शुरुआत से नहीं है, पीछे भट्टी करने गई थी, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, तो अभी मैं एक बार भी रोई नहीं, और जब से इस ज्ञान में आई हूँ तो सिर्फ हंसती रहती हूँ, तो लोगों को शौक लगता है कि भाई ये कौन सा बाबा है कि तुम्हें भट्टी को जादू टोना कर लिया कि हंसती रहती हो, आंखों में से आंसू बिल्कुल छूट गए। पर बाबा ये है कि ना देह में मोह है, ना देह के संबंधियों में मोह है, और फिर भी गुस्सा नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा गुस्सा है, और नेगेटिव संकल्प भी है थोड़े थोड़े, और माया से जैसे अपन बातें करते रहते हैं ऐसा लगता है, तो वो कौन सा पद पाएंगे ऐसे लोग? इस तरह कुछ कामना होती है अंदर, वो कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है, कामेश क्रोधेश। तो सर्च करना है कि वो कौन सी कामना है जो हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए क्रोध आता है। चेकिंग करना है, चेक करके चेंज कर देना। हाँ जी बाबा, घर गृहस्थी निभाने के लिए हमको ये सब कुछ करना पड़ता है, चूड़ी बिछिए वगैरह ये सारा कुछ करना पड़ता है, लेकिन बाबा दूसरी तरफ कहते हैं कि जिन्होंने ये सब कुछ किया तो विधर्मी आत्माएं हैं, उन्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा। हैं? उन्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा, विधर्मी आत्माएं। भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग अगर रह गया, या भक्ति मार्ग का कोई संस्कार 100% रह गया, हो गया, तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। वैसे तो आप कहते हैं कि ये सब चीजें जो मतलब अपने को पहननी नहीं है, इन सब चीजों का त्याग करना है, तो फिर क्या मतलब इन चीजों को छोड़ना, छोड़ भी दे है? परिवार में रहकर के हम छोड़ देते हैं इन चीजों को, छोड़ दिया नहीं। ताकत है तो छोड़ दो, लेकिन परिवार वाले भी जी रहे थे कि ये क्या कर रखा है, कैसे रहते हो, जैसे तुम्हारे आदमी नहीं है क्या? उनके कहने से हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? घर के आदमी पिटाई तो नहीं करते?
कहते हैं ना, अपने मुख से कहने दो। अरे आज मुरली में क्या बोला, हियर नो इबेल। मुरली में बोला किसके लिए बोला, हियर नो इबेल किसके लिए बोला? अरे अरे किसके लिए, आपके लिए नहीं बोला, आपके लिए बोला कि नहीं बोला है? आपके लिए बोला और आपने बाबा की नाफरमानी कर दी, एक पाप और चढ़ेगा। तो उस पाप से मुक्ति लेने के लिए तो हम बाबा, तो जैसे बाबा कहते हैं वैसे ही चलना अच्छा है। धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं या नहीं? नहीं खाएंगे तो धर्म की स्थापना भी नहीं होगी। जो झूठे झूठे धर्म स्थापक आए, झूठे धर्म स्थापन किए, मोहम्मद ने आके कितनी कठिनाइयां सहन की, कितनी तकलीफें सहन की, महात्मा बुद्ध को देश निकाला मिल गया, जितने भी धर्म पिताएं आए उनको धक्के, क्राइस्ट को फांसूली पर चढ़ना पड़ा, ये सब हुआ कि नहीं? आपके लिए कोई कुछ बोलता है वो भी आप सहन नहीं कर सकते? नहीं सहन करते हैं, हम तो बहुत सहन करते हैं। हम बहुत सहन करते हैं, बोलते काहे के लिए फिर? अब क्या करें, बोलना पड़ता है। गुस्सा तो कर नहीं सकते, तो आंसू आ करते हैं हम। आंसू काहे के लिए आते हैं? हम बाबा के बच्चे हैं, मौज में रहने वाले, हम रोने वाले हैं क्या? क्रोध तो नहीं करते, लेकिन हाँ क्रोध में आकर के जैसे कि अपने आप को उन शब्दों को। क्यों क्रोध में आए, हमें अपने ऊपर क्रोध आना चाहिए। अपने ऊपर तो क्रोध अपने ऊपर ये आना चाहिए कि कोई कुछ बोलता है तो हम उसके बोला हुआ उसके पास रहे ना। कोई ग्लानी करता है, कोई गाली देता है तो गालियां और ग्लानी, झूठ बोलता है तो हमको चिपक जाता है क्या? चिपक जाता है, चिपक जाता है, लेकिन अंदर अंदर बोलना आता है। काय का डर, ऐसा क्यों बोल रहा है? डर काय का, बोलने दो। पर ये बाबा सहयोगी तो है, आप बोले तो बोले कुछ। हाँ बोलने दो ना, सहयोगी आता है। फिर ब्रह्मा कुमारियों की तरह तुमको घर में से तो नहीं निकाल देते? ब्रह्मा कुमारी तुमको घर में से ही निकाल देती है, भागो यहाँ से। वो तो फिर भी तुमको घर में रखते हैं, बोलते हैं तो बोलने दो ना। माना किसी के मुंह पे मुसीका बांधना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो क्या है, बोलने की स्वतंत्रता सबको नहीं देनी है? सभी को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देनी है? बोलेंगे वो जिनका उनका मुंह है, अपने आप बोलेंगे कुछ तो बोलने दो, बस हो गया। प्रभावित तो हो ही जाते हैं अपन। क्यों प्रभावित तो माने प्रजा, वो तो है प्रजा, पर सहन शक्ति तब तक उनकी जन्म जन्मांतर प्रजा ही बनते रहने। बाबा सहन शक्ति कई बार नहीं भी होती है, कई बार सहन शक्ति नहीं भी अपन धारण कर सकते तो क्या करें? सहन शक्ति नहीं, कई बार नहीं भी हो पाती सहन शक्ति। तो याद से सहन शक्ति आती है ना, जल्दी हर्ट हो जाता है, दिल पे टूट जाता है, जैसे किसी ने क्यों बोल दिया, ऐसे आंखों में आंसू टपक जाते हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी। क्यों बोल दिया का मतलब है कि हम दूसरे का मुंह पकड़ेंगे, कुछ मत बोलो, हम तुमको बोलने नहीं देंगे। दूसरों का मुंह पकड़ना अच्छी बात है क्या? आज तो गवर्नमेंट भी स्वतंत्रता देती है किसी को कुछ भी बोलने की, कुछ भी बोलो, उससे कोई पाप नहीं बनता, कोई जुर्म नहीं बनता। बोल बोल करने से क्या होता है? बाबा योग माया और महामाया दोनों अलग अलग है क्या? योग माया और महामाया, महामाया दोनों अलग अलग है क्या? योग माया और महामाया अलग अलग है। महामाया तब बनती है जब प्रकृति से हाथ मिला लेती है, तो महामाया बन गई। योग माया तब है, उल्टा योग लगाती है। तो योगिनी भी है और माया भी है। बाप की याद के बल पर उल्टा काम कराई लेती है।
तो योग माया है, महारौला मचाती है। दिल्ली के महारौली महरौली क्षेत्र में योग माया का मंदिर बना हुआ है यादगार। जरूर उसने महारौला मचाया है वहां। ये चीज अधूरी रह गई, अपने पूरी कर लो। यही चीज अगर मोह में अपन पूरा विजय पा लेते हैं देश से देश के सब, अगर मगर क्या होता है, लेकिन फिर भी और विकार है थोड़े बहुत, तो वो कौन सा पद पाएंगे? फेल होते हैं तो कौन सा पद पाते हैं? मोह में तो पूरा विजय कर लिया, तो प्राप्त कर लिया। सभी को मोह के ऊपर विजय पानी है, लेकिन आठ ही पाएंगे, आठ ही हैं जो नष्ट मोहा बनते हैं पूरे। तो वो कौन सा पद पाएंगे बाबा, जो अगर मुंह में विजय पूरा कर लिया, बाकी के थोड़े थोड़े गुस्सा आता है, थोड़ा थोड़ा मन अशांत रहता है, तो वो कौन सा पद? तो महाराजा तो नहीं बनेंगे। राजा बन सकते हैं नंबर वार। हाँ है धर्मराज। हाँ। तो बाबा त्रिमूर्ति बनी हुई है, शिव ऊपर है, राइट में कौन है? है ब्रह्मा बाबा। हाँ, तो ब्रह्मा जो है युद्ध में स्थिर रहने वाला है ना, उनकी बुद्धि में जब ज्ञान पूरा समझ में आ जाएगा, भले बच्चा बुद्धि है, पूरा ज्ञान समझ में आ जाएगा तो युद्ध में स्थिर हो जाएगा या हिलता डुलता रहेगा? स्थिर हो जाएगा। युधिष्ठिर वही तो है धर्मराज, धारणाओं का राजा तो वही हुआ, क्योंकि धारणाओं में जो मुख्य धारणा सहन शक्ति है वो दादा लेखराज के मुकाबले और कोई भी आत्मा नहीं है जिसने सहन शक्ति का इतना बड़ा पार्ट, अव्वल नंबर पार्ट बजाया कि दिखाया हो। सहन शक्ति का पार्ट बजाया बजाया, फिर जगदम्बा तो एक प्रकार का यंत्र है, जैसे यंत्र में कनेक्शन देते हैं तो यंत्र बोलता है, ऐसे ही ब्रह्मा वाली आत्मा उसमें प्रवेश करती है तब पार्ट बजाती है। इसलिए महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है, समझाया तो मरती ही नहीं है मैंने कहीं ना, आत्मा जन्म लेती है मैंने कहीं मैंने कही तो शरीर छोड़ती है और दूसरा सुखा ले लेती है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, तो जन्म क्यों लेती है? अरे जन्म लेती नहीं आत्मा, आत्मा क्यों जन्म लेती है? आत्मा तो अजर हमारा विनाशी है। तो मैंने कहा भाई पूछा मिले मिले बाबा भाई चला तो कहूंगी सुबह रात को मर के लिए मैंने कल ले बाबा। हाँ जी, ये जिंद कौन सी आत्मा है? जिंद जिंद हाँ, कौन सी आत्मा होते हैं जो बहुत सताता है किसी लड़की के ऊपर, वो बोलता है इसको लेके जाओ? भूत प्रेतों में जो बहुत जिंदा दिल होता है उसी का नाम जिंद है। तो बहुत ज्यादा कड़क होता है। हाँ जी, बहुत पावरफुल होता है। उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है? है? मुक्ति नहीं होती क्या कभी उसकी? अब ब्रह्मा बाबा की मुक्ति हो सकती है तो उसकी नहीं होगी? 500 करोड़ आत्माओं की मुक्ति नहीं होगी? 500 करोड़ आत्माओं की मुक्ति हो जाएगी तो जिंद भूत प्रेत पिशाचिनी डाकिनी इनकी मुक्ति नहीं होगी? सब की मुक्ति होनी है।
बाबा हम रोज बेला नहीं होते, बाकी क्लास भी रोज करते हैं और याद भी खूब करते हैं, पर अमृत वेला नहीं होता, उसकी क्या सुटिंग होती? पर अमृत वेला नहीं होता है, पापों का बोझा ज्यादा चढ़ा हुआ है तो दबा लेता है, तो हिम्मत मत हारो, बाबा मदद करेगा, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप करेगा, तो हिम्मत हार के तो सो जाते हो। बाबा जैसे बैठ के नींद आवे तो घूम के कुछ भी करो, सोना नहीं है। बाबा अगर अपन ऐसे बैठते हैं जैसे आप बोलते योगी कैसे भी बैठो, नहीं बाबा पर ऐसे बैठते हैं ठीक है, तो सर्च लाइट तो ऐसी मिलती है, अगर चलते फिरते अपन अमृत वेला करते हैं तो बाबा की सर्च लाइट नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। चलते फिरते भी बाबा की याद रह सकती है, कर्म करते बाबा को याद नहीं करना है, याद करना और एक अमृत वेला, तो चलते फिरते क्यों नहीं याद आएगा? और पहले नंबर वाला देव जो है वो महादेव होगा या छोटा देव होगा? है बोलो, है महादेव ही होगा, फिर क्या बात? बाबा ने मुरली में बोला है गुलजार की माँ ऑलराउंडर है, बाबा बेहद में गुलजार की माँ कौन है? गुलजार की माँ ऑलराउंडर है, कौन? गुलजार की माँ, गुलजार 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 दानी की माँ ऑलराउंडर है, तो बेहद की गुलजार कौन? बेहद की गुलजार की माँ कौन? गुलजार की माँ, गुजार गुजार दादी की माँ, गुजार गुजार दादी की माँ ऑलराउंडर नहीं है। हाँ गुलजार दादी की माँ ने शरीर छोड़ दिया, नहीं कह रहे वो कह रहे बेहद की गुलजार की माँ, एडवांस में एडवांस में गुलजार कौन है? बाबा ऐसे बोला गुलजार की माँ ऑलराउंडर है, हाँ बाबा बेहद में गुलजार की माँ कौन है? तो गुलजार कौन है पहले ये तो क्लियर करो एडवांस में, है गुलजार का मतलब क्या है? है गुले गुलजार होता है, गुल खिल जाते हैं, महाकाली के संस्कार जब महागौरी से मिलकर के एक हो जाएंगे तो दोनों मिलकर के महालक्ष्मी बन जाएगी, तो गुलजार कौन हुई? है अरे है लक्ष्मी गुलजार हुई जगदम्बा, हाँ जी जगदम्बा हुई गुलजार, और उसकी माँ कौन है? है अरे जो ऑलराउंडर दादी थी वो दिल्ली की इंचार्ज थी कि नहीं? अरे जब पांडव भवन तैयार हुआ था उससे भी पहले जो ऑलराउंडर दादी थी वो दिल्ली की मुखिया थी, मुखिया सेंटर चलाने वाली इंचार्ज, तो एडवांस में इंचार्ज कौन थी शुरुआत में? बाबा अरे पहले एक बात तो हल हो जाने दो, बाबा
अरे एडवांस के आदमी कोई था कि नहीं थी? कन्याओं माताओं में कोई मुखिया थी? अरे है, अरे पुष्पा माता नहीं थी क्या? नहीं थी? हाँ, और घंटी बार में बताते हैं कि महाकाली जब दौड़ी थी, महाकाली दौड़ी थी तो शिव जी के सिर पर छाती पर पैर रखा तो जीत क्यों निकाली? बोलो माता जी। बाबा जब घंटी बार में बताते हैं कि शिव जी जब महाकाली दौड़ी थी तो शिव जी के छाती पर पैर रखा तो जीत क्यों निकाली थी? अब एक आदमी बोलो ना। अब ये बोल रही बाबा महाकाली जब दौड़ी तो शंकर की छाती पे पैर रखे तो जीभ क्यों निकाली, ये पूछ रहे। महाकाली ने जीभ क्यों निकाली, छाती पे पैर रखे? शंकर की छाती पे पैर क्यों रख दिया? रख दिया तो जीभ क्यों निकाली? इसीलिए कि बाबा उसको अपनी भूल का पता चल गया, हाय मैंने क्या किया है। चार वर्ष मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मेरे गुजर के लास्ट में नहीं आ पाती, और मेरा मन बहुत दुखी होता है, और बार बार चक्कर आके बेहोश होकर गिर जाती हूँ, तो आए नहीं बार बार चक्कर आते हैं क्लास में, रोज नहीं आ रहा है, क्लास में रोज अभी बोल रही हूँ तो चक्कर आ रहा है। तो ये तो शरीर की कोई बीमारी है, डॉक्टर से इलाज कराओ है। अब क्लास में रेगुलर नहीं है, रोज नहीं आ रहा, डॉक्टरों वैद्यों के चक्कर काटो। क्लास के लिए बोल रहे थे डेली नहीं आ सकती क्लास में, क्लास में डेली नहीं आ सकती रेगुलर, तो मन खा रहा है मेरा, दुखी हो रही हूँ, गिर जाती हूँ। सवाल ये करना क्या है, इलाज कराना है और क्या करना है? हाँ। बाबा अंत में सब अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, वो किस समय समय और कितने समय के लिए अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे? अंत में बाबा अंत में सब अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, वो किस समय और कितने समय के लिए होंगे? आत्माओं के संस्कार अलग अलग हैं, तो समय सबके लिए एक निश्चित नहीं होगा। जैसे आठ हैं, तो आठ थोड़े के समय के लिए अनिश्चय बुद्धि बनेंगे कि लंबे समय के लिए बनेंगे? थोड़े समय के लिए बनेंगे। ऐसे ही फिर और नंबर बार हैं, कोई तो बहुत लंबे समय तक अनिश्चय बुद्धि बने रहेंगे, कोई जल्दी जल्दी माला में आ जाएंगे। जैसे आठ तुरंत ही आठ की माला में आ जाते हैं, राजधानी तैयार हो जाती है। फिर है 108, फिर है ब्रह्मा की भुजाएं 1000, फिर है 16000, तो नंबर वार अनिश्चय बुद्धि बनते रहेंगे। और नंबर वार फिर निकल के आते रहेंगे अनिश्चय से निश्चय में। हर एक का कोई टाइम निश्चित नहीं है कि एक ही टाइम है, सबका अपना अपना टाइम अलग अलग है। कोई लंबे समय तक अनिश्चय बुद्धि बने रहेंगे, कोई थोड़े समय के लिए अनिश्चय बुद्धि बनेंगे। और
संपूर्ण सत्व प्रधान बनने की क्या क्या निशानी है? है? संपूर्ण सत्व प्रधान बच्चे जब बन जाएंगे तो उस बच्चे की क्या क्या निशानी होंगी? आत्मा सत्व प्रधान बनेगी तो शरीर अलग दिखाई पड़ेगा और आत्मा उससे ऊंची स्टेज में रहेगी, हल्की फुल्की अनुभव करेगी। देह में वजन होता है या आत्मा में वजन होता है? देह में वजन होता है। आत्मा तो जितना देहभान से परे होती जाएगी उतना उतना परम धाम की ओर दौड़ती जाएगी। लगाव खत्म। अभी तो बहुत विकार की चाहिए। अभी भी अभी अभी कोई कोई को अनुभव होता है कभी कभी के लिए। देह के पदार्थों से लगाव छूट जाता है, देह के संबंधियों से लगाव छूट जाता है, वैराग आता है, इस सारी दुनिया से ही वैराग आने लगता है। अभी वैराग की मशीनरी जल्दी जल्दी तीव्र होती जाएगी। कुछ हालात ऐसे बनेंगे कि सबको जल्दी जल्दी वैराग आएगा। ज्ञान के आधार पर वैराग आ जाए, स्वतः ही वैराग आ जाए, स्वतः ही ये तन के संबंधी, तन के पदार्थ, ये धन स्वतः ही ईश्वरीय सेवा में लगा दें, इनसे वैराग आ जाए, वो ऊंच पद पा जाएंगे और परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी, उन परिस्थितियों से प्रभावित होकर के फिर परिवर्तन होगा या करेंगे, उतना ही पद नीचा हो जाएगा। जैसे आज बताया मुरली में, सन्यासियों के भी दो प्रकार के फॉलोअर्स होते हैं। एक होते हैं लंगोट पहन लेते हैं, पूरा ही फॉलो करते हैं, घरगार छोड़ देते हैं। एक होते हैं गृहस्थी जीवन में रहते हैं लेकिन फॉलोअर्स कहते हैं कि हम कुछ स्वामी जी के फॉलोअर हैं, तो झूठ कहते हैं या सच्चा कहते हैं? हैं? झूठ कहते हैं। क्यों? फॉलोअर तो तब कहे जाएं जब स्वामी जी की तरह घर घाट छोड़ करके कफनी पहन लें। ऐसे ही इस ज्ञान में भी है, कोई को लगाव लगा रहता है देह के संबंधियों से, देह के खाने पीने के पदार्थों से, देह के संपर्कियों से, धन दौलत से, प्रॉपर्टी से, तो नहीं छोड़ पाते। लेकिन कहते तो हैं कि हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा को फॉलो करते हैं। अब ब्रह्मा ने क्या किया? सब कुछ त्याग दिया, देह भी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी, दधीची बन गए। धन तो पहले ही माताओं के हवाले कर दिया, माताओं कन्याओं को सब कुछ दे दिया, अपने पास तो कुछ भी नहीं रखा। तो तन मन धन
मन के संकल्प ही सारे ईश्वरीय सेवा में लगाए। तो संपूर्ण न्यासी हुए ना, सब माने संपूर्ण न्यासी माने सन्यासी त्यागी। हाँ जी, ऐसे ही फिर ब्राह्मण बच्चों को भी होना चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं, इसलिए दो कैटेगरीज बन गई। एक सिर्फ कहते हैं हम फॉलोअर हैं, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन सौतेले बच्चे हैं या सगे हैं? सौतेले हैं। बाबा, अगर हम लोग जैसे अमृत वेला कर रहे हैं हफ्ते में दो तीन बार चार बार धीरे धीरे और बार टाइम बढ़ाए हैं, मुझे भट्टी करे 3 महीने ही हुआ है भट्टी करे, अभी 2015 में भट्टी करा, और धारणा आपने जैसे बोला ना 2 बार मुरली सुनना है, सुबह अंधेरे में स्नान करने के लिए बोला ज्ञान स्नान जिसको बोलते हैं, अंधेरा हो उससे पहले स्नान कर लेना है, और अमृत वेला भी कंपलसरी करना है रोज का रोज, और हफ्ते में 3-4 बार कर रहे हैं, और अभी समय भी बहुत कम है, 6 महीना ही पड़ा है 2016 में, तो फिर भी मन में संतुष्टि नहीं होती, पुरुषार्थ कर भी रहे हैं पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है जीवन में, ऐसा क्यों? कमी है नहीं है? कमी है नहीं, पुरुषार्थ जो करते हैं रोजमर्रे का उसमें कमी नहीं दिखाई पड़ती। कैसे वो समझ में नहीं आ रहा, मन इतना मतलब है? अभी इसलिए लग रहा है कमी है पुरुषार्थ में, ऐसा क्यों? लग रहा है कि कमी दिखाई देती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, और थोड़ा क्यों नहीं समझ में आता है, सत प्रधान बनने के लिए क्या अच्छा करे, हल्कापन है, फिकरते फ्यारा फिकरते फारक कींदा प्यारा सतगुरु, कोई फिकर नहीं है, मैंने सही पुरुषार्थ हो रहा है, वो भी नहीं है, फिकर तो किसी के लिए नहीं है ना, मोह है किसी में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी लग रहा है पुरुषार्थ में कमी है, चिंता क्यों लगी रहती है, फिकर नहीं है ये, संतोष नहीं है पुरुषार्थ, चिंता लगी रहना ये फिकर नहीं है, संतोष नहीं है बाबा पुरुषार्थ में, हाँ संतोष नहीं है ये भी तो फिकर से फारग नहीं हुए ना, क्या करे फिर, क्या करें, और देखें, चेकिंग करें, चेकिंग करके देखें कि हमने हमारे पुरुषार्थ में क्या कमी रह गई, कमजोरी कहाँ है, उस कमजोरी को दूर करें। और क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, हरि का क्या बिगड़ा जो भृगु मारी लात, बेहद में भृगु ऋषि कौन है और किस प्रकार लात मारी। सप्त ऋषियों में जो बड़े ऋषि हैं उनका नाम है भृगु ऋषि, उनको क्रोध आया और विष्णु को लात मार दी। अब ऋषि कहा जाता है पवित्र को, जो पवित्र है उसके अंदर काम क्रोध का लोभ मोह की अपवित्रता होगी है? नहीं होगी, तो उनका नाम पड़ गया भृगु। क्या क्या भरा गु भरा, कहे जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन हैं तो नहीं, कहां विष्णु का पुरुषार्थ,
और कहां सप्त ऋषियों का पुरुषार्थ, कहां विष्णु का ज्ञान और कहां सप्त ऋषियों का ज्ञान। सप्त ऋषि तो फिर भी अष्ट देवों के आधार हैं। अष्ट देव तो शिव की मूर्तियां हैं, आठ मूर्तियां, वो तो सर्वोपरि हैं। उन आठ मूर्तियों में सबसे उत्तम पद है विष्णु पद, जो गीता में कहा गया है दुनिया में दो प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाली, जिनकी शक्ति क्षीण होती हो, और अक्षर जिसकी शक्ति क्षीण न होती हो। तो शिव है अक्षर है, और बाकी 500-700 करोड़ क्या हो गई है, क्षर। लेकिन उन क्षरित होने वाली आत्माओं में भी एक आत्मा 500-700 करोड़ के बीच में भी उत्तम है। कौन? जो परम ब्रह्म से क्या बनती है, परम पद विष्णु विष्णुधारी बनती है। तो कहां विष्णु का पुरुषार्थ और कहां सप्त ऋषियों का पुरुषार्थ। जो ज्ञानी है वो बड़ा ठहराना, उसका सम्मान करना चाहिए या लात मारना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। उन्होंने उल्टा काम कर दिया। और बाबा लड़का कहता है तबीयत ठीक नहीं, देख तो मेरे साथ चल दो चार महीने के लिए, वहाँ बीके बीके वाले का आश्रम है, वहाँ ज्ञान सुनने के लिए जा सकते हो। आगे वाले कुछ नहीं सुनते, हम तो बहरे हो गए पहले ही है। बेटा ही बेटा तबियत खराब है तो हमारे साथ चलो, वहाँ दिशा पाठशाला बीके वाले। हाँ, हाँ। क्लास करने चले जाए बीके का, क्लास करने के लिए चलो। हाँ चले जाए, जा सकते हैं, जा सकते हैं। जाने में क्या हार जाए, वहाँ भी जाके कुछ न कुछ ज्ञान की भू भू करो। बाबा तो कहीं भी जाने के लिए मना नहीं करते, क्लास करने के लिए बोल रहे हैं कि वहाँ जाके क्लास कर दो क्या, बीके में है, बीके में जाके क्लास कर दो क्या, पास में सेंटर, बीके में जाके क्लास करूं, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाओ। और बाबा क्यों मना करेंगे, बाबा की तो सुनेंगे। ओम शांति बाबा, एक बस।